क्या है दोस्तों, काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि जैसे भाई सीपेक क्या है, आखिरकार सीपेक का मतलब क्या है। सीपेक अगर आपको मतलब नहीं पता, वो है चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर। और सीपेक के काफ़ी जो है वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं, और ये एज अ पाक चाइना दोस्ती की वजह से हो रहे हैं। चाइना इज़ इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान हमारे लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए। तो मैंने कहा काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं सीपेक के, उनमें से आज मैं एक जो है वो तुम लोगों को दिखाता हूँ, जो कि ऑरेंज लाइन ट्रेन जो कि लाहौर में है। और जब से ऑरेंज लाइन ट्रेन आई है बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हुआ है लाहौर वालों को। तो आज जो है हम लोग आए हुए हैं ऑरेंज लाइन ट्रेन स्टेशन में, आज हम जो सफ़र है वो ऑरेंज लाइन का करने वाले हैं। ओके, अभी हम लोग हैं सबसे ज़्यादा स्टेशन पे। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं पहली दफ़ा जो है ऑरेंज लाइन ट्रेन में बैठने लगा हूँ। देखें बहुत मज़ा आने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो एक्सपीरियंस होता है ना वो सबसे बेस्ट होता है। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। आज जॉन खर्चा कर रहा है बहुत ज़्यादा। अब मुझे समझ आ गई कि टिकट कैसे खरीदते हैं यार। तीन टोकन देते हैं ये तीन। देखें ये ऑरेंज कलर का टोकन है, और अभी हम इसको लगा के अंदर जाएंगे। ओके, यहाँ का जो स्टेशन है ना, एक सिंपल चीज़ बताऊँ, वो ऐसे लग रहा है कि एयरपोर्ट के स्टेशन है। आके भाई देखे मैं हैरान हुआ, बस टोकन लगाया है और उसने बोला आप जाएं, ऐसे खुल गया दरवाज़ा, खुल जाए सिमसिम की तरह। ऑरेंज ट्रेन की जो प्राइस है वो काफ़ी चीप है, मैंने 40 रुपए दिए हैं, और मैं एक स्टेशन से जो है वो दूसरे पे जा सकता हूँ, मतलब जितनी लंबी ट्रेन है। और उन्होंने मुझे ये टोकन दिया है, बहुत ज़्यादा क्यूट है, इसके ऊपर लिखा है पंजाब पता नहीं कौन सी अथॉरिटी। और ये काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि यार मतलब इस तरह की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में नहीं आई। और ये जो हो रहा है, ये जो पाक चाइना दोस्ती है, ये सीपेक की वजह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं, इनोवेट हो रहा है पाकिस्तान, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है हमारे लिए। देखें अगर आप न्यू भी हैं हमारी तरह, जैसे हम लोगों को पता नहीं, हम सफ़र नहीं करते ऑरेंज ट्रेन में, तो यहाँ पे एक स्क्रीन लगी हुई है जिसमें हर चीज़ इन्फॉर्मेशन दे रही है कि जो नेक्स्ट ट्रेन आ रही है वो 7 मिनट बाद आ रही है, तो हमें 7 मिनट इधर ही वेट करना पड़ेगा। ये जो ऑरेंज ट्रेन है, ये जब से मतलब कि लाहौर में इंट्रोड्यूस हुई है, लॉन्च हुई है, इसने बहुत ज़्यादा लोगों की जो है वो हेल्प की, क्योंकि लाहौर में आपको जैसा पता है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, और ट्रैफिक की वजह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जो है कम्यूट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए जो है ऑरेंज ट्रेन का जो एक एस्टिमेट है वो ये है कि तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो पर डे इससे कम्यूट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ट्रेन हमारी आ चुकी है, अंदर बैठते हैं और देखते हैं कि ये न्यू टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में किस तरह का काम करती है। यहाँ से जो व्यू है ना, मतलब ऑरेंज लाइन ट्रेन से जो लाहौर का व्यू है, अगर आप पीछे में देख सकते हैं, बहुत अमेजिंग व्यू है यार सच में। और काफ़ी स्मूथ ट्रेन है, ये नहीं कह सकते कि बहुत हिल रही है, मतलब ये काफ़ी स्पीड जा रही है और पता नहीं चल रहा कि मतलब इतनी स्पीड चल रही है। जब से हम आए हैं हम तब से खड़े हैं, क्योंकि हमें अभी तक बैठने की जगह नहीं मिली है। और यही साइन होता है कि एक बिजी सिटी का, कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और अगर हम गाड़ी में सफ़र करते हैं तो हमें बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन शुक्र है कि हमें यहाँ पे जितना डिस्टेंस कवर करना था वो बहुत मिनटों में कवर हो रहा है, और हमें घंटे नहीं लग रहे हैं ट्रैवल करने के लिए। शुक्र है हमें एस्केलेटर मिल गया है, वरना हम तो सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के थक गए थे यार। देखिए मुझे इस ऑरेंज ट्रेन में एक और बहुत अच्छी लगी कि हर स्टेशन पे डिसेबल बंदों के लिए लिफ्ट का और इस तरह की एक्सेलेटर का जो है ना इंतज़ाम किया गया है, जो इजीली स्टेयर्स पे नहीं चढ़ सकते वो इजीली मतलब ट्रैवल कर सकते हैं, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ऑरेंज ट्रेन के जो स्टेशन है टोटल वो 26 हैं, और 26 में से 2 जो है वो अंडरग्राउंड है, ये भी मैंने कहा एक फैक्ट है बता दूँ। ये तो मेरे रोड मेरे घर वाली रोड है यार, और मुझे पता ही नहीं था, मैं रोज़ करीम पे इतने पैसे ज़ाया करता हूँ, आज से मैं इसी को यूज़ करूँगा। 80 रुपीज़ में मैं एक जगह से दूसरी जगह आराम से पहुँच सकता हूँ। लेकिन सेफ्टी और सिक्योरिटी की रीज़न की वजह से ओनली 120 पर्सन पर कार, और तकरीबन मेरे ख्याल से 10 कार हैं,
और तकरीबन एट अ टाइम 1000 पैसेंजर्स को एक ट्रेन ले जाती है और हर तीसरे या चौथे मिनट बाद नेक्स्ट ट्रेन आ जाती है और अगले 1000 लोगों को उठाने के लिए। अमेजिंग। ओके, हम लोग अपनी नेक्स्ट ट्रेन का वेट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग वापस जाना है। और सच में मैंने ना मतलब लाहौर से जब से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, लाहौर में 3-4 दिन तो मुझे हो गए, यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए पेट्रोल पे, मुझे इस पे सफ़र करना चाहिए था। आवाज़ भी आ रही है, ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रही है, बहुत एक्साइटेड है। आ गई, देखिए ऑरेंज लाइन ट्रेन में आप बैठ के ड्राई फ्रूट्स भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन ये मुफ्त नहीं मिलते, ये आपको खुद लाने पड़ते हैं अपने साथ। देखिए अगर आप नए हैं हमारी तरह ट्रैवल कर रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे स्पीकर भी है जो आपको बता रहा है बार बार कि अगला स्टेशन कौन सा है, और उसके अलावा हर डोर के ऊपर एक डिजिटल मैप है जो आपको बता रहा है पूरा मैप कि ये ट्रेन कहाँ से निकली है और कहाँ तक जा रही है। ओके, एक और चीज़ मैं बताता जाऊँ, ये भी हमारे एक कौम का असासा है और मैं सब लोगों को ये कहता हूँ कि इसके जो सफाई का बहुत ख्याल रखें, बाकी चीज़ों की तरह पाकिस्तान में जो गंद वगैरह कर देते हैं, काइंडली जो मुसाफिर हैं उनसे दरख्वास्त की जाती है कि यहाँ प्लीज़ गंद वगैरह ना करें, इसे साफ़ सुथरा रखें। फाइनली अब हम 4 घंटे के बाद वापस अपने घर जा रहे हैं क्योंकि मुझे काम पे जाना है और जाते मुझे मेरे काम पे ड्रॉप करेगा आज। हम नहीं करेंगे, ऑरेंज लाइन पे जाएगा। ओ यस, आई फॉरगॉट। ओके, फाइनली जो है 4 घंटे के बाद झूला खेलने के बाद हम घर जा रहे हैं। जॉन मज़ा आया? बहुत मज़ा आया यार, अब काम पे जाके अपनी आपके भाई एक और चक्कर एक बस बहुत हो गया बस। ओके, अभी मैं हूँ M5 मोटरवे पे जो कि मुल्तान और सखर को जोड़ती है। मैं कोयटा वापस जा रहा था तो मैंने कहा क्यों ना एक प्रोजेक्ट मैं तुम लोगों को सीपैक का दिखा दिया, क्यों ना मैं तुम लोगों को एक और प्रोजेक्ट दिखाऊं जो कि है मुल्तान टू सखर मोटरवे। और ये भी जो है वो पाक चाइना दोस्ती के जो देख के वो बनाई गई है और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है पाकिस्तान को और इससे जो है बहुत ज़्यादा इकनॉमी जो है पाकिस्तान की वो ग्रो हुई है। इस मोटरवे को बनने के बाद जो टाइमिंग थी, मतलब जो कम्यूट करते थे लोग एक जगह से दूसरी जगह, वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था क्योंकि नॉर्मल नेशनल हाईवे होती थी। इस मोटरवे के बाद वो जो टाइम है वो बहुत कम हो गया, मतलब काफ़ी कम हो गया, तकरीबन को 50% से 75% जो है वो कम हो गया। ओके, जो टोटल लेंथ है इस मोटरवे की वो है 392 किलोमीटर और ये मेजर जो सिटीज़ हैं पाकिस्तान की ये उनको एक साथ जोड़ता है और जो 3 सूबे हैं पंजाब सिंध और बलूचिस्तान ये उनको भी जोड़ता है। ये जो मोटरवे है काफ़ी यूनिक है, यहाँ पे ड्रेनेज के सिस्टम है, यहाँ पे सिक्योरिटी जो है जो कह सकते हैं ट्रैफिक पुलिस की, नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जो गाड़ियाँ वो 24 घंटे यहाँ पे रहती हैं, हेल्पलाइन है यहाँ पे, अगर आपको कुछ भी यहाँ पे हो जाए गाड़ी को आपके, आप कॉल करेंगे सिंपल और वहाँ से वो लोग आ जाएंगे आपकी हेल्प करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जो है ये पाक चाइना की दोस्ती के साथ मिल के जो है बना है। काफ़ी लोग कहते हैं कि जो सीपैक से क्या फ़ायदा हो रहा है पाकिस्तान को, सीपैक से पाकिस्तान को ये फ़ायदा हो रहा है कि हम इस तरह के रोड्स मिल रहे हैं, हम इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहे हैं जो कि पाकिस्तान को ग्रो करने में, उसकी इकनॉमी को जो है वो ग्रो करने में मदद कर रहे हैं। ओके, काफ़ी लोग बोल रहे थे जैसे भाई सीपैक प्रोजेक्ट से क्या फ़ायदा हो रहा है, काइंडली हमें एक वीडियो बना के बता दें, तो मैंने ये बता दिया। मेरा दिल था कि मैं ग्वादर पोर्ट का जो है वो तुम लोगों को वीडियो बना के दिखाऊँ क्योंकि वो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है सीपैक का। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आएगी क्योंकि नॉलेज मिली होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मैं वीडियो हर हफ्ते बनाता हूं, मैं लाइक कर दो, फेसबुक पे फॉलो कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, ट्विटर पे, और मैं तुम लोगों से मिलता हूं अगले हफ्ते। बाय।